भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर सीतापुर मंडल के सभी 6 धान खरीदी केंद्र केरजू, प्रतापगढ़, भूसू, पेटला, गेरसा और सीतापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें धान खरीदी की समय सीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी तक करने के साथ रवि फसल हेतु खाद उपलब्ध कराने, असमय बारिश और ओला के कारण जिन किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा, पिछले साल की धान खरीदी की बकाया राशि के साथ 2 वर्ष के बकाया बोनस की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। सभी मांगों को 3 दिवस के भीतर पूर्ण नहीं किए जाने पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किसानों के हित में पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने की बात कही गई। इस अवसर पर रोशन गुप्ता, श्रवण दास, अनिल अग्रवाल, प्रभात खलखो, राजकुमार गुप्ता, विनोद अग्रवाल, ब्रह्मानंद बेहरा, विंदेश्वरी लाल पैंकरा, रंजीत गुप्ता, नीरू मिस्त्री, रोशन पैंकरा, विजय गुप्ता, बाके बिहारी सिंह, भोला मिंज, खेमा निधि, दीपक दास, रुपेश आर्य गुप्ता, प्रदुमन्य पैकरा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। टीवी 36 हिंदुस्तान के लिए सीतापुर से अरमान रजा की रिपोर्ट। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ में हम लोग धरना, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम 5 सूत्रियों का मांग रखे हैं, जिसमें पहला है कि धान 15 फरवरी तक लेना होगा, और दूसरा उसमें है रवि फसल के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराना होगा, और लंबित विद्युत कनेक्शन तत्काल देना पड़ेगा, और चौथा है पिछले 2 साल का बोनस देना होगा, और ओलावृष्टि से जो क्षतिपूर्ति हुआ है किसानों को उसको तत्काल 3 दिवस के अंदर में भूपेश सरकार को पूरा करना होगा। ये सब सारी मांग को लेके हम पूरे प्रदेश में आज ये धरना कर रहे हैं। जी आपको परिचय बता दीजिए। जी मैं मंडल अध्यक्ष श्रवण दास, भाजपा मंडल।